विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिल अयान का नमस्कार। और कविता तेरे द्वार की आज की कड़ी में हम जिसकी कविताओं का आनंद लेने वाले हैं वो सतना शहर की जानी मानी शिक्षिका हैं। वो शिक्षण कार्य के साथ साथ कविताओं में भी मानवीय संवेदनाओं को घोलने का काम करती हैं। वो जिस प्रकार की कविताएं लिख रही हैं उन कविताओं के सम्मान में ये चार पंक्तियाँ आप सब आनंद लीजिए। सच सामने खड़ा है, पलकें उठा के देखो। सच सामने खड़ा है, पलकें उठा के देखो। पत्थर भी रो पड़ेंगे, पत्थर भी रो पड़ेंगे, दिल से बुला के देखो। पत्थर भी रो पड़ेंगे, दिल से बुला के देखो। और दीपावली में देखो धूल झाड़ते हो, दीपावली में देखो धूल झाड़ते हो। रिश्तों में जो जमी है, रिश्तों में जो जमी है उसको हटा के देखो। रिश्तों में जो जमी है उसको हटा के देखो। ऐसी ही मानवीय संवेदनाओं को दर्शकों और पाठकों के सामने रखने वाली कवित्री का नाम है ममता सिंह। तो आइए मित्रों आनंद लेते हैं ममता सिंह की कविताओं का। मैं ममता सिंह इस विशाल खबर चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी दुनिया में ले चलूँगी जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके संपर्क में आने से हमारा तन मन भी खूबसूरत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकृति की। आज मैं आपसे प्रकृति के बारे में बात करूँगी। पर एक बात मेरे दिमाग में आती है कि न जाने क्यों लोग खुद को इससे दूर ही करते चले जा रहे हैं। ये आगे बढ़ने की होड़, समय का अभाव, ये मोबाइल गैजेट्स, सही मायने में हमने एक छोटे से दायरे में अपनी समय सीमा तय कर ली है। इन मोबाइल फ़ोन के साथ कब इतना समय गुजार देते हैं हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता, और हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। दूसरे शब्दों में हम खुद को प्रकृति से दूर करते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन की आधारभूत तथ्य है। ये धरती का सीधा संपर्क, ये खुली हवा, सुबह की धूप, प्रकृति के साथ थोड़ा समय, बहुत कुछ पा जाते हैं हम इनके साथ बिना कुछ दिए ही। इसी संदर्भ में मैं आपसे अपनी कुछ पंक्तियां शेयर साझा करना चाहूँगी कि कुछ समय थम जाना, कुछ समय थम जाना, मन के आईने में खुद को देख थोड़ा मुस्कुराना। कुछ समय थम जाना, मन के आईने में खुद को देख थोड़ा मुस्कुराना। ये जो मुस्कुराहट है ना तुम्हारी, इस मानव देह को मिला एक अनमोल तोहफा है। इस तोहफे को बार बार अपने चेहरे पर सजाना। पहले तो आप मुस्कुराते रहिए, जीवन में कठिनाइयाँ परेशानी आते रहेंगी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट के भाव बने ही रहने चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम अपना समय, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हैं तो हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारे तन मन दोनों में इसका प्रभाव पड़ता है। इसे मैंने अपने एक पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहा है कि कुछ समय बैठो न बेफिक्र, कुछ समय बैठो न बेफिक्र, तनहा तनहा सामने प्रकृति जैसे घर कर रही हो। कुछ समय बैठो न बेफिक्र, तनहा तनहा सामने प्रकृति जैसे घर कर रही हो। न कहने की ज़रूरत न सुनने की ख्वाहिश, न कहने की ज़रूरत न सुनने की ख्वाहिश, फिर भी बहुत कुछ साझा कर रही हो। ये बारिश की बूंदें, ये रेशम सी धूप, ये बारिश की बूंदें, ये रेशम सी धूप, ये चंचल हवाएं, ये मुस्कुराते फूल, ये चिड़ियों का चहकना, ये कोयल की कूक, ये चिड़ियों का चहकना, ये कोयल की कूक, ये पत्तों की सरसराहट, ये भौरों की गूंज, ये चिड़ियों का चहकना, ये कोयल की कूक, ये पत्तों की सरसराहट, ये भौरों की गूंज, ये तितलियों का मंडराना, कलियों के आसपास मेरा मन ही मन मुस्काना, इन्हें करके आत्मसात। इन प्रकृति की अदा पर मैं तो हाय वारी जाऊँ, कभी इसे कभी खुद को मैं देख देख इतरा हूँ। ये बहता चंचल हवा का झोंका,
ये बहता चंचल हवा का झोंका मेरे मन को हंसाए, ठीक वैसे जैसे सावन में मोर पंख चिलमिलाए। ये जो मैं बैठी हूँ बेफिक्र तनहा तनहा सामने प्रकृति मुझ में घर कर रही है, न कहने की ज़रूरत न सुनने की ख्वाहिश, फिर भी बहुत कुछ साझा कर रही है। बस आपको कुछ कहने के सुनने की ज़रूरत नहीं होती, अपना कुछ समय पूरे दिन से चुराएं, प्रकृति के साथ बिताएं, तो आप देखेंगे कि आप प्रकृति की तरह ही खूबसूरत दिखने लग रहे हैं, निरोग दिखने लग रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक और कविता लिखी है जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे को दबी हुई नज़रों से देखते हैं, बोलते नहीं देखते हैं, और इनकी आंखें आपस में क्या बातें करती हैं मैं अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहूँगी। कि ये नज़रें तेरी क्यों हैं दबी दबी, ये नज़रें तेरी क्यों हैं दबी दबी, सामने देखती हैं पर है और ही कहीं, न जाने क्या गुमार इनमें उठ रहा है, न जाने क्या गुमार इनमें उठ रहा है, न जाने क्या कुछ इनके भीतर चल रहा है, तू खुल के बोल देना कुछ साझा कर जाऊँ, तू खुल के बोल देना कुछ साझा कर जाऊँ, तेरे गम को शायद मैं आधा कर जाऊँ, खुशी होगी तो क्या तेरे होंठों तक आएगी, तेरी मुस्कुराहट की एक झलक मुझे भी मिल जाएगी। ये सब लिखना तो ना था पर कलम चल गए तेरी भावना के साथ, आज ये भी गिर गए। लेकिन मज़ा है खुद को रूप देने में, इस कागज पर कलम का सहयोग लेने में। आज सारे ही अपनी एक दुनिया बना रहे हैं, ठीक भी है, खुद को खुद ही सजा रहे हैं। चल हम भी अपनी एक दुनिया बनाएं, तेरे साथ मिलकर खुद को पूरा कर जाएं। ये विचारों का समंदर जो भीतर ही उठ रहा है, इन लहरों को थोड़ा आराम दे जाएं। कहने का अर्थ यह है कि उम्र का कोई भी दौर हो, उदासीनता होनी ही नहीं चाहिए। जब हम उदासीन होने लगते हैं, आस छोड़ने लग जाते हैं, तो समझिए कि हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की तरह ही हमारे भीतर ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, उम्र का कोई भी दौर हो, कोई मैटर नहीं करता। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के हिसाब से परिस्थितियाँ बदल दी, क्योंकि समस्याएँ प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी हमारे तरफ, तो इन्हें अपने हिसाब से मोड़ें और जीवन में आगे बढ़ें। ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ और हैं जिसे मैंने प्रकृति के साथ ही जोड़कर लिखा है। एक वाक्य है, ऐसे ही मैं सुबह 10 बजे का समय था, अकेले बैठी हुई थी, तो कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कि मिला जुला आवाज़, चिड़ियाँ, कौन सी चिड़ियाँ थी, कोयल थी या और थी, तो मेरे जहन में कुछ पंक्तियाँ आती हैं कि कहीं दूर से जब मंद मन कोई सुर गुंजन करती है, कहीं दूर से जब मंद मन कोई सुर गुंजन करती है, वो कोयल है और कोई जब जहन में उतरती है, कहीं दूर से जब मंद मन कोई सुर गुंजन करती है, वो कोयल है और कोई जब जहन में उतरती है। मैं इन्हें पहचानूं या आत्मसात करूं, दोनों ही सुख के संबल हैं, मैं इसे लिखूं या उसे लिखूं, दोनों ही पर्याय सुंदर जीवन के हैं। समुद्र से उठी चंचल हवा जब प्रकृति में समाती है, एक अद्भुत आनंदमय सरसराहट कानों तक पहुंच जाती है। ये झुकती उठती डालियां जब आपस में टकराती हैं, अठखेलियां करती हैं खुद में, हमें भी आनंद विभोर कर जाती हैं। ये तितलियां और ये भौरे
ये तितलियाँ और ये भौरे खुद में क्यों इतना इतराते हैं, इतने खुश रहते हैं, हमें भी मुस्कुराना सिखाते हैं। हमारा जीवन और ये प्रकृति, हमारा जीवन और एक प्रति ये प्रकृति एक हद तक तो हैं जुड़े हुए, बस ये पल पल खुद को जीते हैं और हम वहीं उलझ जाते हैं। हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं, हम भी तो प्रकृति का एक रूप ही हैं। थोड़ी बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, बस इधर उधर का सोच सोच जीवन का मूल समझ नहीं पाते हैं। मैं स्तब्ध हूँ इन्हें देखकर, हर समय खुशी फैलाते हैं। मैं स्तब्ध हूँ इन्हें देखकर, हर समय खुशी फैलाते हैं। जो आस पास हो उनका भी सारा दर्द ये पी जाते हैं। कभी समय निकाल कर तुम भी ये दोस्त, कभी समय निकाल कर तुम भी ये दोस्त, इनके साथ समय बिताया करो। तुम भी तो प्रकृति का हिस्सा हो, हर हाल में मुस्कुराया करो, हर हाल में मुस्कुराया करो। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हर हाल में मुस्कुराइए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी मैंने कविताएं सुनाई हैं, इनका सार यही है कि हर हाल में समस्याओं को सुलझाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। समस्याएं कैसे आती हैं, क्यों आ गईं, इस पे अपनी ऊर्जा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। समस्याएं सुलझाने की तरफ अग्रसर हुएं, उन्हें ठीक कैसे करें, इस पे अपनी ऊर्जा लगाएं, उनके समाधान पर अपनी ऊर्जा लगाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास वालों को भी खुश रखें। यही है जीवन धर्म हमारा। इसी के साथ सभी को तहे दिल से आभार, धन्यवाद।